आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ टीचिंग वैकेंसी। यहाँ पे आपकी अच्छी खासी वैकेंसी कवर हो रही है एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज़ करी है परमानेंट वैकेंसी है। पे लेवल काफ़ी अच्छा है और इवन आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। बाकी डिटेल मैंने कवर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा एंड सो ऑन। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखा है। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कौन सी एडवर्टीजमेंट ओपन करें, क्योंकि सबकी डिफरेंट डेट है। तो कुछ एडवर्टीजमेंट है जिसकी अप्लाई की डेट जा चुकी है, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट है जो रिलीज़ करी गई है 8 सितंबर को। परमानेंट वैकेंसी है यहाँ पे आपकी प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, तीनों टाइप की वैकेंसी है। पे लेवल जैसे आपको पता है यूजीसी के अकॉर्डिंग है, वही मेंशन कर रखा है आपको। अब देखते हैं आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से। तो टोटल 31 डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे अप्लाइड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड एग्रीकल्चर इन एग्री बिजनेस एंड अप्लाइड एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडीज़, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फिजिकल एडुकेशन, फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट, साइकोलॉजी, पंजाबी, सोशोलॉजी, जोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़। तो कुछ ही आपके डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंशन कर रखा है कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वो डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है, वो आप रीड आउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है ऑनलाइन लिंक आपका अवेलेबल होगा अप टू 23rd ऑफ अक्टूबर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी प्रोवाइड किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा भी आपको डिटेल प्रोवाइड कर रखी है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा एंड सो ऑन। तो वो आप रीड कर सकते हो कि रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट पे आपको विजिट करा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको अपनी रिक्रूटमेंट कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है, टीचिंग जॉब के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट वैकेंसीज यहाँ पे और भी मेंशन कर रखी है, लेकिन उनकी अप्लाई डेट जा चुकी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट वाले पे आप क्लिक करके अपने एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस ओपन कर रहे हो। बाकी अप्लाई करिए, अप्लाई का लिंक भी यहीं दे रखा है। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।